हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर दिन लाखों कार्स की सेल होती है, और जिस स्पीड से न्यू कार्स की सेल हो रही है उसी स्पीड से इंडियन रोड्स पे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये ओल्ड और अनफिट एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हमारे एनवायरमेंट के लिए तो काफी ज्यादा डेंजरस होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अनफिट और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे भारत के बढ़ते ग्लोबल पॉल्यूशन इंडेक्स में। अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है और आप चाहते हैं कि उसे स्क्रैप करवाना, तो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमें कोई रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियो को काफी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होगी कि हमने टाटा की रीवायर फैसिलिटी पे काफी सारी वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की है, जिसमें हमने बताया कि कैसे टाटा मोटर्स ने इंडिया के हर कोने में अपनी रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी को ओपन करने की पूरा प्रपोजल बनाया है, और टाटा मोटर्स ने अपनी फर्स्ट स्क्रैपेज फैसिलिटी डेली रीजन वाले लोगों के लिए भी ओपन कर दिए। तो बेसिकली आज जो मैं टाटा मोटर्स की रीवायर फैसिलिटी में खड़ा हूं, ये बेसिकली टाटा मोटर्स की फिफ्थ रीवायर फैसिलिटी है। इससे पहले हमने आपको चंडीगढ़ की फैसिलिटी भी दिखाई है, और उससे पहले हमने आपको जयपुर की फैसिलिटी भी दिखाई है। तो क्विकली चलते हैं और देखते हैं कि टाटा मोटर्स की ये स्टेट ऑफ आर्ट स्क्रैपेज फैसिलिटी कैसी है और इसमें क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइप की स्क्रैपेज फैसिलिटी आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली करती है, यानी कि पेपर्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस पूरा करेगी वो करेगी टाटा मोटर्स की रीवायर फैसिलिटी। क्योंकि एक रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी में आपको डॉक्यूमेंट पर्पस की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि टाटा की रीवायर ऐप आप यूज कर सकते हैं अपने कार को स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर करने में, और इसलिए बहुत ही ज्यादा सीमलेस और एक सेफ तरीका बन जाता है अगर आप अपनी कार को स्क्रैप करवाना चाहते हैं। इस फैसिलिटी को 5 acres ऑफ लैंड में बनाया गया है, जो सक्षम है हर साल 15,000 पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में, और ये फैसिलिटी वर्क करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर, जिसके अंडर ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है उनको स्क्रैप किया जाएगा। अब जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तब उसे लेकर आया जाता है स्क्रैपिंग के लिए, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है व्हीकल को रिसीव करना और उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। उसके बाद आते हैं बाकी स्टेप्स, जैसे कि डीपोल्यूटिंग, डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। तो जैसे आपकी कार स्क्रैपेज फैसिलिटी में आती है, तो सबसे पहला जो स्टेप उसमें परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है डीपोल्यूटिंग का। डीपोल्यूटिंग जो है नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे आपकी कार के जो भी फ्लूइड्स होते हैं उनको किया जाता है कार से रिमूव। ये देख सकते हैं मेरे सामने एक एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है, तो सबसे पहले इसमें डीपोल्यूटिंग का प्रोसेस जो है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया है। डीपोल्यूशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है डिसमेंटलिंग का। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये जो कार है, इस कार से जिस चीज को सबसे पहले रिमूव किया गया है वो है इसके डोर्स को। तो डिसमेंटलिंग नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक एक कंपोनेंट्स को या एक एक पार्ट्स को कार से किया जाएगा रिमूव, जैसे कि डोर को अभी यहाँ से रिमूव कर दिया है। उसके बाद इन सीट्स को भी यहाँ से किया जाएगा रिमूव। लेट मी शो यू कैसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सब पार्ट्स को यहाँ से रिमूव किया गया है, जैसे बम्पर आप देख सकते हैं ये वाला भी रिमूव किया गया है। उसके साथ यहाँ देखेंगे ना तो ये है कार्स की सीट, तो ये देख सकते हैं आप कार के डोर्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी कि डोर्स को भी रिमूव कर दिया, सीट्स को भी रिमूव कर दिया, उसके बाद टायर्स को भी यहाँ से रिमूव किया जाएगा। और बेसिकली हम जब भी अपनी कार को स्क्रैपेज फैसिलिटी में देते हैं तो सबसे पहले हमें जो डर होता है वो ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रैपेज फैसिलिटी में कार अपनी देने के बाद हमारा इंजन को किसी तरह से कंपनी यूज कर रही है या कोई स्क्रैपेज फैसिलिटी यूज कर रही है। बट टाटा मोटर्स की इस रीवायर फैसिलिटी में आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लेवलिंग यहाँ पे की जाती है, जैसे कि अगर पार्ट नेम देखिए तो इंजन का पार्ट नेम आए, पार्ट नंबर भी आपके पास मेंशन होगा। व्हीकल जो है वो टाटा सुमो है, यहाँ पे उसका इंजन यहाँ पे हमारे सामने रखा गया है, यानी कि बॉडी शेल आपके पास बच जाता है जब देख सकते हैं कि कार से डोर्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं, सीट्स जो है वो रिमूव हो चुकी है, गियर बॉक्स, इंजन सब कुछ यहाँ से कार से रिमूव हो चुका है, और अब ये बचा है आपके पास एक बॉडी शेल जिसे किया जाएगा अब स्क्रैप। डिसमेंटलिंग के बाद अगला स्टेप जो है वो है क्रशिंग का। क्रशिंग
नाम से ही क्लियर है कि क्रशिंग में व्हीकल को क्रश किया जाता है और इसके लिए यूज किया जाता है बेलर मशीन को। बेलर मशीन कंप्रेस और क्रश करती है व्हीकल के रिमेनिंग पार्ट्स को इंक्लूडिंग बॉडी, और इसके बाद वो पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट क्यूबिकल ब्लॉक्स में। और ये क्यूबिकल ब्लॉक्स काफी ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने में या फिर रिसाइकलिंग करने में। तो गाइस अब मुझे आप नीचे दी कमेंट्स बताइए कि क्या आपने इससे पहले कभी कोई रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी को विजिट किया है या फिर नहीं, और अगर नहीं किया है तो आप क्या दिल्ली एनसीआर रीजन में रहकर इस टाइप की टाटा मोटर्स की रीवायर फैसिलिटी को विजिट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।